Hey, hi, I'm Dr Abhinit Gupta. Raj, main leke aaya hu ye hai Korean glass skin. आपने ग्लास स्किन के बारे में सुना होगा कि लोग कोरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. उनकी इसके एकदम ग्लास की तरह होती है, एकदम शाइनिंग स्किन होती है और एकदम क्रिस्टल क्लियर स्किन होती है. तो कैसे होती है, तो ये सीक्रेट मैं आज आपको बताने वाला हूँ. तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा. वहाँ पर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं कि अपनी स्किन को क्लीन रखते हैं. पोर्स हैं जो उनके, वो पूरा जो भी डर्ट होती है, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं बाहर जाते हैं पॉल्यूशन में जाते हैं, तो हमारी स्किन में जो पोर्स होते हैं उनमें पॉल्यूशन के कारण डस्ट फंस जाती है, जिसके कारण हमें एक्ने होने लगते हैं और यूवी रेज़ के कारण हमें एजिंग होने लगती है. तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, अपनी स्किन को एकदम क्लियर आउट रखते हैं और उसके बाद वो लगाते हैं बेस्ट क्रीम जो है नोकी क्रीम, जिसके बारे में आपको आगे बताऊँगा. तो लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले उनका ये जो ब्यूटी वाटर होता है, इसका जो पीएच होता है इट्स 11.5 पीएच. आप देखिएगा ये ब्यूटी वाटर है, ये बेसिकली 11.5 पीएच का होता है जो हाईली अल्कलाइन होता है. और आपको मैं इसको दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है. तो मैं इसमें ले रहा हूँ तिल का तेल, इट्स अ सीसम ऑयल, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इसमें. और मैं इसमें भी डाल रहा हूँ, दो मैं ले रहा हूँ. ये तिल का तेल लिया है मैंने और अभी मैं क्या करूँगा, मैं इस 11.5 पीएच के वाटर को मैं इसके अंदर डाल दूंगा. ओके, तो देखते हैं क्या करता है तिल के तेल के साथ. हम तिल का तेल इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है. तो ये मैंने डाल दिया और इसने पूरा तिल के तेल को आप देखिएगा लिक्विफाई कर दिया है और पूरा ड्राई आउट कर दिया है. और अभी मैं आपको इसमें सेम में दिखाऊंगा एक नॉर्मल पानी. ओके, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल पानी डाल रहा हूँ और इसने कुछ नहीं करा है. ये ऑयल एंड वाटर कभी मिक्स नहीं होता है, हम सबको पता है. तो ये आप देख सकते हो कि 11.5 पीएच के जो वाटर है उसने पूरा उसको घोड़ दिया है. और ये एज इट इज़ इसमें वाटर एंड ऑयल अलग अलग है. तो ये क्या करता है, इसकी खासियत क्या होती है, जब हम इसको अपने फेस पे डालते हैं लगाते हैं तो ये हमारे फेस पे पूरे जो सीबम होता है, जो ऑयल होता है, उसको डिजॉल्व कर देता है. लाइक और इसको जस्ट आपको स्प्रे करके आपको दो चार मिनट तक यूज़ करना है, इसको रब करना है. ये पूरा क्लियर आउट कर देगा आपका जो भी मेकअप होता है, जो भी डर्ट होती है, वो सबको पूरा निकाल देता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये करने का. इसके बाद में इसको पूरा तो मैं इसको पूरा क्लियर आउट कर दिया. ये पानी इट्स अ हाईली अल्कलाइन वाटर एंड वी कैन ड्रिंक ऑल्सो. मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा पीने की, बट मैं आपको पी के दिखा देता हूँ. ज़्यादा टेस्टी नहीं है बट यस टोटली सेफ है. इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दिस 2.5 पीएच वाटर. इट्स अ एसिडिक वाटर. ये बेसिकली कोई भी स्किन कंडीशन होती है, लाइक आपको एक्ने हो रहे हैं या आपको स्किन कहीं से कट गया है या कहीं भी आपको फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, तो ये उस एरिया को क्लियर आउट करता है बिकॉज एंटी बैक्टीरियल है. एक्ने पी एक्ने बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल आउट कर देता है अगर आपको एक्ने हो रहे हैं, या आपको अगर सोरियासिस है उसमें भी अच्छा वर्क करता है. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्प्रे एंड यू हैव टू रब इट. ये जो हाईली अल्कलाइन वाटर था इसने क्या किया था, इसने पोर्स को ओपन कर दिया था, पोर्स को डायलेट कर दिया था और जितना भी डर्ट था वहाँ से वो निकल गया था. तो हमारे स्किन के पोर्स टोटली क्लियर आउट हो गए. और अभी हमने यूज़ किया ये 2.5 पीएच का वाटर जो हाईली एसिडिक है. अगेन ये सारे बैक्टीरिया को किल कर देगा, तो आपकी स्किन में कोई भी बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है. आपको ये 5-5 मिनट वेट करना है इसका. आपने लगाया 5 मिनट वेट करके इसको ड्राई होने दें. इसके बाद आता है थर्ड स्टेप विच इज़ दिस वाटर, इस 6 पीएच वाटर जो आपके एसिड मेंटल को बैलेंस कर देता है. अभी मैंने हाईली अल्कलाइन वाटर से क्या किया था, स्किन को क्लियर आउट किया, सारे डर्ट ग्रीस सीबम, बहुत से लोग होते हैं इनके फेस बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, सीबम प्रोड्यूस होते हैं उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा, जिसके कारण उनको एक्ने प्रोन स्किन होती है. तो ये क्या करता है, उसको पूरा क्लियर आउट कर देता है, अंदर से निकाल देता है. आपने देखा कि इसने कैसा ये पूरा घोड़ दिया तिल के तेल को. सेम वो जो भी ऑयल ऑयल होता है उसको पूरा डिजॉल्व कर देता है. इसके बाद मैंने यूज़ किया 2.5 पीएच का एसिडिक वाटर ताकि बैक्टीरिया जो भी है वो मर जाए. अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, दांत खाद खुजली, आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे सारे फंगस को मार डालेगा ये. अभी बात आ रही है 6 पीएच वाटर की. ये इसको लगा के आपको
ये थर्ड स्ट्रैप इसको लगा के आपको छोड़ना है। ये सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट का काम है, आपको जस्ट डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग करेंगे। अगर आप ये मॉर्निंग और डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग में अगर ये स्टेप आप तीनों करते हैं तो आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी। इसके बाद जो फाइनल स्टेप आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या है वो, जो मेरा सीक्रेट है, जो सब लोग बोलते हैं कि मैं फिल्टर यूज़ करता हूँ, जो मेरा एक्चुअल फिल्टर है, वो ये है। इट्स अ कोरियन क्रीम, इट्स अ नोकी वाइटनिंग क्रीम, जो कि कोलेजन बूस्टिंग क्रीम भी है, जो आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करती है और आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देती है, साथ में सनस्क्रीन का भी काम करेगी, साथ में वाइटनिंग का काम करेगी। आपको जस्ट इसको लेना है और इसको अप्लाई कर लेना है। आपको दिन में एक बार अप्लाई करना है, दिन भर उसका रिजल्ट, इसको आपको अच्छे से मसाज करना है। अब आप देखिएगा मेरा फेस, इसको मैंने अप्लाई किया है। आपको ना फाउंडेशन की लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कुछ भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको फेस को एकदम चमचमाता रहेगा रखेगा। इसको आप, मैं थोड़ी और क्रीम लगा रहा हूँ ये। तो जितने लोगों को लगता है कि मैं फिल्टर यूज़ करता हूँ, एक्चुअली फिल्टर नहीं है वो, ये है मेरा फिल्टर। इट्स अ नोकी कोरियन वाइटनिंग क्रीम, जिसको मैं डेली यूज़ करता हूँ, जो मेरा नेचुरल फिल्टर का काम करता है, जो मेरे को वाइटिंग इफेक्ट देता है। अगेन ये एंटी ऑक्सीडेशन इसके अंदर प्रॉपर्टी है, कोलेजन है इसके अंदर, तो मेरा कोलेजन बूस्टिंग करता है। और इसको आप बॉडी पे भी लगा सकते हो। इसको लगा के आपको अच्छे से मसाज करना है, आपको फुल बॉडी पे वाइटिंग इफेक्ट भी देगा ये। आप देख सकते हो लगाते ही बॉडी वाइट हो गई है, और ये दिन भर चलता है, और एक बॉक्स आपका चलेगा अराउंड 3 to 4 months। इट्स अ वेरी बिग बॉक्स, ओके। तो ये आपको 3 to 4 months तक वर्क करता है, रिजल्ट देता है। आप इसको हैंड पे लगाना है, नेक पे लगाना है, या कहीं भी लगाना है, आप इसको लगा सकते हो। ये आपको एंटी एजिंग वर्क करेगा, एज अ सनस्क्रीन वर्क करेगा, और ये आपको कोलेजन बूस्टिंग वर्क करेगा। आपको दिन भर सिर्फ एक ही बार लगाना है, और शाम तक आपको चमचमाता रखेगा। साथ में एक्चुअल चीज़ क्या है कि एक कंप्लीट रेजिम वर्क करता है, अकेले एक चीज़ से वर्क नहीं होता है। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि ये जो वाटर था, ये कैसे आपके बॉडी को अच्छा करता है। तो ये जो है 11.5 पीएच का जो वाटर था, इसकी ओआरपी बहुत ज़्यादा होती है, नेगेटिव में होती है। ओआरपी इज़ अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जब भी हम बाहर जाते हैं मार्केट में, धूल मिट्टी में जाते हैं, या जो भी हम खाना खाते हैं ना, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, जो हमारे सेल को एजिंग कॉज करता है। ये जो पानी, इसके नेगेटिव ओआरपी होती है, ये उस ऑक्सीडेशन को ख़त्म कर देता है। तो मेरे पास है एक ओआरपी मीटर, जिससे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी ओआरपी कितनी है। अभी जस्ट मैं इसको डालूंगा पानी के अंदर, और ये आप लोगों को शायद ये उल्टा दिख रहा होगा, बट ये माइनस में जाता जा रहा है, जो 700 -700 क्रॉस कर चुका है। ये -787 -788 जा रहा है। मतलब अगर आप ग्रीन टी की बात करेंगे ना, ग्रीन टी का -90 होता है ओआरपी, और उसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट वाटर है। इसकी आपके बॉडी में जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेल्स को रिज्यूवनेट कर देता है और हाइड्रेट कर देता है, बिकॉज का जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो बहुत स्मॉल है, तो ये फट से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये आपका -780 के अराउंड गया है। तो ये हाईली एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी के साथ ये वर्क करता है। ये पूरे सेल्स को रिज्यूवनेट कर देता है, शाइनिंग देता है, और ये आपके जिसका 2.5 pH का वाटर है, ये सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है। और 6 pH का वाटर जो है, हमारे स्किन का pH होता है 5.3 to 5.5, जो उसको बैलेंस कर देता है। तो ये है कोरियन ग्लास स्किन का सीक्रेट, जो कोरिया में आप अगर लोगों को दिखा होगा तो एकदम चमचमाती और क्रिस्टल क्लियर उनके स्किन होती है। तो कैसे होती है वो, इस क्रीम के कारण और इस पानी के कारण होती है। इट्स अ कैंजन वाटर, और ये 3 स्टेप में आता है। स्टेप 1 में 11.5 पीएच का जो होता है, जो पोर्स को क्लियर आउट कर देता है, सारी डर्ट ग्रीस पूरा क्लियर आउट कर देता है, लाइक दिस, जो तिल के तिल को पूरा घोर दिया, वो सारे सीबम और सबको क्लियर आउट कर देता है। दूसरा स्टेप है 2.5, जो एंटी बैक्टीरियल है, हाईली एसिडिक। और इसके बाद आता है स्टेप थ्री, जो 6 pH का वाटर है, जो हमारे स्किन का pH होता है 5.3 to 5.5, जो सारे बैक्टीरिया को स्किन के अंदर इन्वेड नहीं होने देता है, तो ये उसके pH को बैलेंस कर देता है। तो अगर आपको चाहिए क्रिस्टल क्लियर स्किन, तो यूज़ करें ये तीनों चारों चीज़ें।
और मुझे मैसेज कर इंस्टाग्राम पे, और इसके बाद जो मैं टॉपिक बताऊंगा ये तो स्किन को ऊपर से क्लियर आउट करने के लिए है। अगर आपको अंदर से जवान रहना है और अंदर से सारी बीमारियां भगानी है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप हाईली अल्कलाइन वाटर को पी के अपनी बॉडी को रिज्यूवनेट कर सकते हो, आप पूरे हार्ट किडनी लिवर सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो वो है पानी का जादू जो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। और ओके इसकी प्राइस ये जो पूरा सिस्टम है कंप्लीट 7000 का सिस्टम आता है और जो 3 to 4 months वर्क करता है, और ये आप फुल बॉडी में अप्लाई कर सकते हो। एंड यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट एट www.lescomic.com। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्राइस और लिंक डाल दूंगा, आप लगाइए, अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा फ़ायदा हुआ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, छोटा सा वीडियो है कोरियन क्लास स्किन के ऊपर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। और अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो प्लीज़, अगर आपको सीरियसली कोई प्रॉब्लम है जिसको आप चाहते हो कि मैं से पूछना, तो प्लीज़ मुझे अगेन एंड अगेन मैसेज करते जाइए, क्योंकि 300-400 मैसेज डेली आते हैं तो आपका मैसेज ऊपर आ जाएगा, मैं उसको देख लूँगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।